डियर फ्रेंड्स, जेईई मेंस 2023 का स्ट्रेट लाइन का एक सवाल है। ये सवाल आपके पास में 29 जनवरी का शिफ्ट वन में आया हुआ है। सवाल पढ़ लीजिए। लेट बी एंड सी बी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो सच दैट बी एंड सी आर सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी और सी क्या है, सिमेट्रिक है। फिर बोला जा रहा है सपोज ए इज ए पॉइंट ऑन द लाइन वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू टू। ए एक पॉइंट है, वो कौन सा लाइन पर लाई कर रहा है, वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू टू पर लाई कर रहा है, जिसमें कि एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, ये जो बीसी लाइन होगा ये कौन सा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो और ओ इज ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये कोई इस तरह का लाइन होगा, और जब ये लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये लाइन हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो जब आप इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हो, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को करता है और ओरिजिन से पास करता है। इसका मतलब है ए वर्टेक्स जो है एक्स इक्वल टू वाई और इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगा। जब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस टू और वाई का वैल्यू माइनस टू, और ये किसका पॉइंट दे देगा, ए का पॉइंट दे दिया। इसका मतलब ए पॉइंट हो गया माइनस टू और ओ इज ओरिजिन। तो एओ जो होगा इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, 4 + 4 इक्वल टू 2√2। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा वो आपको पता है, ये होता है एच स्क्वायर डिवाइड बाई √3, और वॉट इज एच, 2√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √3, और इसका आंसर हो जाएगा 8/√3। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का दिख रहा है। इस तरह से बहुत ही बेसिक सवाल है माय डियर फ्रेंड, और इस तरह से हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो जेईई मेंस के बहुत सारे सवाल को बहुत ही कम समय में कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।